आज जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो इसरो का जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। यानी अगर आपका इसरो में जॉब हो जाता है तो आपका लाइफ स्टाइल कैसा रहेगा, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है और आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अगर आप सैलरी के बारे में जानेंगे तो आप सच में हैरान रह जाएंगे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इस प्रकार से आपको सैलरी देती है। आप सोच नहीं सकते कि इतना ज़्यादा जो है सैलरी हमको मिल भी सकता है कोई अदर डिपार्टमेंट। तो सारा चर्चा करने वाले हैं और सारी पोस्ट का करेंगे, ऐसा नहीं है कि टैग भी का ही करेंगे। जितने टेक्निकल असिस्टेंट हैं कुक हो और उसके बाद जो है टेक्निकल अटेंडेंट हैं हाँ या फिर जो है कैटरिंग वाले हैं, ड्राफ्टमैन हैं, तो लगभग लगभग जितने भी पोस्ट हैं सारे पे जो है डिटेल से चर्चा करने वाले हैं कि आपको इसरो के अंदर क्या क्या सुविधाएं मिलती है और आपका जो बेसिक पे क्या रहता है और आपका पेमेंट कितना बनता है और आपका पेमेंट कहाँ तक जा सकता है। तो पूरा एकदम डिटेल्स में जो ऑफिशियल है वो वही सारे चीज डिस्कस करेंगे। बाकी जो है अपने मन से कोई भी चीज़ें नहीं बताई जाएगी। वैसे पता होगा कि कुछ दिनों जो है इसरो का ऑफिशियल साइट वर्क नहीं कर रहा था। यहाँ आप देख सकते हैं इसका यह जो है न्यू साइट लॉन्च हो गया है और यहाँ आपको जो है रिक्रूटमेंट नोटिस में सारा जानकारी जैसे ही कोई सूचना आती है तो सबसे पहले यहाँ आपको मिल जाएगा। आप गूगल में सिंपली सर्च करेंगे इसरो करियर तो यहाँ डायरेक्ट जो है करियर्स वाले सेक्शन खुल जाते हैं और यहाँ आपको जो है सारा डिटेल जो है मिल जाएगा। तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपको जो है सारा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो इसरो की जॉब प्रोफाइल के बारे में नहीं जानना चाहते हैं या इंटरेस्टेड नहीं है वो वीडियो को छोड़ सकते हैं और जो इंटरेस्टेड हैं वो कंटिन्यू करें, है ना। तो इसका लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप जो है अपना डिटेल जो है अपने पोस्ट का डिटेल्स जो है चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं बताने वाला हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं तकनीशियन भी है, टेक्निकल असिस्टेंट है, साइंटिफिक असिस्टेंट है, लाइब्रेरियन है, लाइब्रेरी असिस्टेंट ए है, सारे का डिटेल। तो सिंपली आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद जो है अभी मैं सारी चीज़ चर्चा करने वाला हूँ, अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, है ना। पहले मैं सैलरी पे बात कर लेता हूँ। तो जो तकनीशियन बी वाले होते हैं उनका जो ज्वाइनिंग होता है वो लेवल 3 पे होता है। देख सकते हैं यहाँ जो है आपका जो लेवल पे मैट्रिक्स रहेगा वह क्या रहेगा, 3 का रहेगा। यानी आपको जो बेसिक सैलरी दिए जाएंगे, बेसिक जो पे आपको मिलेगा 21,700 रुपया से लेकर 69,100 रुपया मिलेंगे। और उसके इसके जो एलिजिबिलिटी है यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आप मैट्रिक पास और साथ में जो अगर आपने ITI करी है या फिर आपने NSC करी है NCVT से, मिनिमम वो 2 साल का होना चाहिए तो जो है आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद जो है आपका जो अपर एज लिमिट है यानी अगर आप 35 साल तक हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। ये बेसिक जानकारी है जो सबको पता है। उसके बाद जो है सिलेक्शन मेथड जो होता है वो आप रिटर्न टेस्ट होगा, उसके बाद फिर जो है आपका स्किल टेस्ट होगा। स्कूल टेस्ट के साथ में जो है कुछ इंटरव्यू वगैरह भी होते हैं, वो डिटेल्स में नहीं बताए जाते हैं। अंदर में जो है इंटरव्यू भी एक भाईवा के तौर पे होता है और वो होने के बाद जो आप फाइनल सिलेक्शन के लिए चुने जाते हैं। फाइनल सिलेक्शन के लिए जैसे ही आप चुने जाएंगे तो उसके बाद जो है आपको लेवल 3 के हिसाब से जो 21,700 ये आपको बेसिक पे मिलेगा। इतना ही नहीं कि आपको 21,700 रुपया ही मिलेगा, है ना। वहाँ सारे अलाउंसेस वगैरह जोड़ के जो आपका सैलरी जो है तकरीबन 35 से 36 हज़ार के आसपास में बन जाएंगे। यानी अभी जो आपको रिसेंटली DA वगैरह जो दिए जाते हैं वो सारे ऐड करके जो है 35 से आपके 30 से 35 36 के आसपास बन जाएंगे। किन्हीं का कुछ ज़्यादा भी बन जाता है और कम भी बन जाता है, वो OT के हिसाब से होता है। उसके बाद आप जो वहाँ उसके बाद जो आपका धीरे धीरे इसमें एक चीज़ की सुविधा बहुत अच्छी है कि आपका जो है प्रमोशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ये तकनीशियन बी जितने भी ITI के कैंडिडेट हैं वो सारे के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो तकनीशियन बी में है यही लेवल के सैलरी दिए जाते हैं। चाहे वो आप इलेक्ट्रिशियन से हैं, मशीनिस्ट से हैं, फिटर से हैं या फिर जो है आपका ट्रेड कोई भी हो या फिर आप ड्राफ्टमैन मैकेनिकल क्यों ना हो, है ना। तो ये जो है आप लोगों के लिए है। और उसके बाद जो आपका जो प्रमोशन होता है वो बहुत जल्दी होता है, 3 साल के बाद। यहाँ आप देख सकते हैं तकनीशियन बी से डायरेक्ट डी में चले जाएंगे। उसके बाद फिर आप EF जो भी है उसके हिसाब से आप चले जाएंगे। चलने जाने के बाद जो है आपका लेवल यहाँ जो है लेवल 12 यानी जो है लेवल 12 तक जाएंगे और आपका जो सैलरी रहेगा वहाँ बेसिक पे 78,800 से लेकर 2,09,200 रुपया तक आपका जो है बेसिक पे रहने वाला है। यानी जब आपको 2,09,200 बेसिक पे मिलेगा उस टाइम जो आपका
ग्रॉस सैलरी बनेगा 3 लाख के आसपास बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी, यानी आप जो जब लेवल 12 में आप चले जाएंगे। तो ये एक बेसिक पे है जो आपको इसरो द्वारा दिया जाता है, लेकिन इस पे सारे अलाउंसेस जोड़ के जो आपका पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो ये रही तकनीशियन बी का। और प्रमोशन सिस्टम क्या है, कितने साल में आपका प्रमोशन होते जाता है, एक नॉर्मल इंटरव्यू के द्वारा हो जाता है, जो आप वर्क करते हैं उसी से रिलेटेड एक नॉर्मल इंटरव्यू आपसे लिया जाता है, उसके बाद जो है आपका प्रमोशन होते जाता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ जो है फिर देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट का, जो डिप्लोमा वालों के लिए है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आपका जो ज्वाइनिंग होता है लेवल 7 में होता है, और इसका जो बेसिक पे 44,900 रुपया से लेकर 1,42,400 रुपया आपका जो है लेवल पे रहता है। और उसके बाद आप एलिजिबिलिटी यहाँ देख सकते हैं, आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट क्लास फ्रॉम स्टेट जो रिकग्नाइज बोर्ड होता है वहाँ से आपको होनी चाहिए। और उसके बाद जो अपर एज लिमिट है वह आपका यहाँ देख सकते हैं, यह अभी यहाँ जो है 35 साल है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है सेम है आपका, जिस प्रकार से तकनीशियन बी में होता है, तकनीकी सहायक यानी जो है तकनीकल असिस्टेंट में भी ऐसा ही होता है। आपको रिटर्न टेस्ट के साथ साथ जो है आपको स्किल टेस्ट भी पास करने होते हैं। और यहाँ जो जो टीए का है, टीए का जो आपका जो करियर जो है जाएगा वहाँ लेवल 3A तक जाएगा, और जो आपका बेसिक सैलरी बनने वाला है वह आप यहाँ तक आएंगे 13 जो है सॉरी 1,31,000 से लेकर 2,16,600 रुपया जो आपका बेसिक पे रहने वाला है, जब आप जो है यहाँ तक आपका प्रमोशन होके जो है आप यहाँ तक आएंगे। इस टाइम जो आपका जो सैलरी बनेगा वो तकरीबन 3 से प्लस ही बनेगा, और शुरुआती दौर में जो पेमेंट दिया जाता है टीए वालों को वह 44,900 रुपया से लेकर यहाँ देख सकते हैं जो लेवल है 1,42,400 रुपया, यानी जब आप ज्वाइन कीजिएगा उस टाइम जो आपको पेमेंट मिलेगा वह तकरीबन जो है 60 से 70 75 हज़ार के आसपास जो आपका ग्रॉस सैलरी बन जाएगा, क्योंकि आपको भी अलाउंसेस वगैरह जोड़ के दिए जाते हैं। उसके बाद जो है बाकी जो है जितने भी टीए होता है ट्रेवलिंग अलाउंसेस होता है, और फिर आपको एचआरए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जहां आप रहेंगे, और इसरो के जो क्वार्टर्स होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, और वैसे जो है महंगे शहर में आपको उतने अच्छे क्वार्टर जो उतने कम पैसे में नहीं मिलेंगे। और साथ में जो होता है ये सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे कोई भी पोस्ट पे है, आपको कैंटीन की सुविधा दी जाती है। जब जो खाना बाहर में 100-200 में खाते हैं वो 20 से 25 रुपये में वो खाना आप कैंटीन में खा सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधाएं जो है आपको दी जाती है वहाँ, और भी बहुत सारे हैं अभी मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी जो है आपको किस लेवल किस पोस्ट के लिए किस लेवल पे सैलरी दी जाती है इस पे बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो है अगर आप लाइब्रेरी असिस्टेंट है तो यहाँ आप देख सकते हैं आपको लेवल 7 के हिसाब से आपको भी सैलरी दिया जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ सारा पोस्ट आप इस प्रकार से, इसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप देख सकते हैं। अगर आप लैब टेक्नीशियन है तो आपको आप जो है क्लिक करके लेवल 4 के हिसाब से दिया जाता है, बाकी बात जो प्रोसेस है आप सारा चीज़ यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद फिर कैटरिंग अटेंडेंट भी क्लिक करके आप वहाँ देख सकते हैं कि आपका लेवल 1 में ज्वाइनिंग होता है, जो आपका बेसिक पे होता है वो 18,000 से लेकर जो है 56,900 के आसपास रहता है। उसके बाद कुक देख लेंगे नीचे, फिर फायरमैन है, सारा जो है अपना डिटेल इस प्रकार से चेक कर लेंगे, क्योंकि मैं सारे का अगर डिस्कशन करने लगूंगा तो वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद फिर मैं आपको और जो सुविधाएं इसरो में दी जाती है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो, एजुकेशन हो, या फिर जो है और जो खेल कूद के भी सुविधाएं दी जाती हैं, अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं और वहां से कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो वहां जो है आपको मौका दिया जाता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, मैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का ऑफिसर साइड ओपन करके रखा हूँ, और यहाँ आप देख सकते हैं आप यहाँ फैकल्टी में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा सेंट्रल स्कूल, उसके बाद कॉलोनी हेल्थ सेंटर और जो है रिक्रिएशन का। तो सबसे पहले जो मैं सेंट्रल स्कूल को ओपन कर लेता हूँ और इसमें क्या सुविधाएं हैं किस प्रकार से हैं इस पर चर्चा करता हूँ। जैसे यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे तो हल्का सा ये टाइम ले रहा है ओपन होने में, या ओपन होने देते हैं इसको, है ना। तो यह जो है सर्वर का इशू होने के कारण नहीं ओपन हो रहा है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ जो है कॉलोनी हेल्थ सेंटर जो है ना, तो यह जो है मेडिकल सुविधाएं जो आपको दी जाती है, यह जो है अगर आपका जहाँ क्वार्टर रहेगा वहाँ आपको जो है ये एक हेल्थ सेंटर दिया जाएगा, और इसमें जो है
तकरीबन 10, मैंने इसको अच्छे से रीड कर लिया है, मैं आप लोगों को अच्छे से बता देता हूँ। उसमें तकरीबन जो है 10 से 15 यानी कि गंभीर आपात स्थितियों का इलाज किया जाता है, और ये उन लोगों के लिए होते हैं जो कर्मचारी होते हैं जो उस कॉलोनी में रहते हैं जिनका वहाँ क्वार्टर होता है। और उसके बाद जो है फैकल्टीज एट कॉलोनी हेल्थ सेंटर, वहाँ जो आपको और फैकल्टीज दिए जाएंगे, यहाँ देख सकते हैं ECG है, और उसके बाद सारा चीज़ डिजिटल एक्सरे वगैरह जो है आपको मिल जाएगा, और जो है बहुत सारे ऐसी सुविधाएं आपको दी जाती हैं, यहाँ आप डिटेल में देख सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं एम्बुलेंस सर्विस जो है आपको 24 घंटा एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराई जाती है, और जो है आपात स्थितियों में यहाँ निम्नलिखित दिए गए नंबर पे जो है आप संपर्क कर सकते हैं और वहाँ से जो है एम्बुलेंस से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है इसरो की कॉलोनी के अंतर्गत जो है अंदर जो है होता है, और यहाँ नीचे जो है क्लिनिक का टाइमिंग भी रहता है ना, और किस दिन हॉलीडे रहता है और कब से कब ओपन रहता है, यहाँ सारा चीज़ आप डिटेल देख सकते हैं। यानी बहुत अच्छा सुविधा है जो आपको बाहर पैसे में मिलता है, बहुत ज़्यादा पैसे में मिलता है, वो जो है इसरो फ्री में प्रोवाइड कराती है वहाँ जाके, आप जितने भी इसरो के कर्मचारी होते हैं अंदर, है ना, यानी कि कॉलोनी में। और उसके बाद बहुत सारे जो और सुविधाएं दी जाती है, और उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट के, और उसके बाद जो क्रिटिकल केस होते हैं जो कॉलोनी में यहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं, तो साथ में जो है उसके लिए हॉस्पिटल ले जाने की और प्लस जो है हॉस्पिटल में खर्चे की सुविधा भी उपलब्ध कराया जाता है इसरो की तरफ से। और उसके बाद जो है यहाँ रिक्रिएशन देख सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ जो है इसरो के जितने भी कर्मचारी हैं उनके मनोरंजन के लिए जो है यहाँ एक खेल क्लब जो है बनाया गया है, और यहाँ जो है इसरो के कर्मचारी जितने भी हैं वो आके यहाँ मनोरंजन ले सकते हैं, अपना चाहे किसी का जो भी खेल में रुचि है वो खेल खेल सकते हैं। और अगर आपका जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर समझें, अगर आपका क्रिकेट में रुचि है और आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो सबसे पहले जो इंटरनल एक जो वहाँ क्रिकेट खेल होता है इसरो के सारे यूनिट में टूर्नामेंट वगैरह भी कराए जाते हैं, और वहाँ से अगर आप जो है अव्वल होते हैं सफल होते हैं तो फिर आपको बाहर भी भेज दिया जाता है इसरो की तरफ से। तो ये सारी सुविधाएं आपको इसरो के अंदर मिल जाएगा। अगर आप एक अच्छा स्पोर्ट्समैन हैं, आपको खेल खेलना पसंद है और आप अच्छा हैं, आप जो है एक अच्छे प्लेयर हैं, चाहे वो क्रिकेट के हैं या फिर फुटबॉल के हैं या फिर जो है आप किसी का भी है, सारे लगभग लगभग खेल जो है आपको वहाँ अंदर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ जो है नीचे जो दिया गया है आप जो है किस प्रकार से टूर्नामेंट में भाग ले सकते हैं और किस प्रकार कराए जाते हैं, सारा डिटेल्स यहाँ दिया गया है, आप जो इसका ऑफिशियल साइट ओपन करके देख सकते हैं, है ना। और उसके बाद ये सेंट्रल स्कूल वाला जो है ओपन नहीं हो रहा है, पता नहीं अभी इस पे क्यों, तो इस पे मैंने इसको पहले से रीड कर क्या था तो मैं इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ आपको। वहाँ जो है सेंट्रल स्कूल जो आपके बच्चे होंगे जो स्टडी करेंगे वो सेंट्रल स्कूल में करेंगे, यानी जो केंद्रीय विद्यालय होता है, और वहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। और एक मिनट, ये फिर से ओपन नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूँ। और साथ में जो है एक अच्छे स्कूल में आपके बच्चे का भविष्य होगा और वहाँ से जो है स्टडी करेंगे, वहाँ जो है सारी पढ़ाई लिखाई के खर्चा जो है इसरो की तरफ से दिया जाएगा, वो जो है केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का भविष्य होगा, और साथ में कैंटीन वगैरह जितने भी है तो इतना सारा सुविधा, और आपको जो सैलरी में दिए जाएंगे सारे वो अलाउंस सुविधाएं जोड़ के, जैसे आपके HRA हो गए, DA हो गए, HRA हाउस रेंट अलाउंस होता है और DA जो है डियर लेंस अलाउंस होता है, महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं, तो वो सारे चीज़ जो है ऐड करके आपको दिए जाएंगे। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको कोई जो है अदर डिपार्टमेंट में देखने को नहीं मिलेगा जितना जो है इसरो के द्वारा दिया जाता है। तो आप लोग स्टडी पे फोकस कीजिए, अभी URRAO सेटेलाइट सेंटर का एग्जाम है, और स्टडी पे फोकस कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा मौका जो है कहीं नहीं मिलने वाला है। और अभी भविष्य में भर्ती प्रक्रियाएं और भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन अभी जो आपके सामने में है आप उन पे ध्यान दीजिए, उनको फोकस कीजिए, और इसी प्रकार से आप जो है पल पल अपडेट लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसरो से रिलेटेड जो है जैसे ही कोई अपडेट आता है तो सबसे पहले
मैं अपडेट कर देता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटे का आइकॉन का जरूर दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कोई नई जानकारी के साथ। जैसे ही इसरो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही।